हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, फाइनली एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि एक रिव्यू वीडियो है ऑन फेशियल सीरम। और ये फेशियल सीरम न्यू लॉन्च है ऑन purplle.com और ये पर्पल ब्रांड के ही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं ये कौन सा सीरम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं जिस सीरम की बात कर रही हूँ वो है ये है पर्पल स्किन रेडियंस सीरम विद मलबरी एंड टी टी ऑयल और ये 20 ml का प्रोडक्ट है। और मैंने एक और सीरम लिया था इसके साथ ही जो कि है ये पर्पल ऑयल कंट्रोल सीरम विद टी टी एंड पपाया ऑयल, ये भी 20 ml का प्रोडक्ट है। बट ये ऑयल कंट्रोल है और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, मैंने बस एक या दो बार जस्ट ट्रायल बेसिस पे इसे ट्राई किया है और ये भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसे मैंने ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं हूँ उसके बारे में कैसे बात करूँ, तो इसको अभी साइड पे रखते हैं, इसको मे बी फर्दर वीडियोज़ में मैं बात करूँ। आज मैं टोटली बात करूँगी ये स्किन रेडियंस सीरम की और पैकेजिंग और इनर पैकेजिंग आउटर पैकेजिंग डिटो सेम है दोनों का। तो इसकी पैकेजिंग जैसी होगी वैसी ही इस ऑयल कंट्रोल वाले की है, तो अगर आप पैकेजिंग देखना चाहते हो उसकी तो इसको भी देख लोगे तो दोनों सिमिलर ही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फेशियल सीरम या फेशियल ऑयल की फ़ैन नहीं हूँ बिकॉज़ मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इन सीरम और ऑयल से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। अलग बात है अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आई नीड समटाइम्स सीरम्स। तो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी मेरी नज़र गई इसकी पैकेजिंग पर और मैं सच कहूँ तो इसको ख़रीदने का रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल था पैकेजिंग। इसका जो इनर पैकेजिंग है बहुत खूबसूरत है, मैं दिखाती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इट क्लेम्स, लाइक इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इसके बेनिफिट्स हैं इट फाइट्स ब्रेकआउट्स, इवेंस आउट स्किन टोन एंड इम्प्रूव्स स्किन टेक्सचर। तो इसमें टी ट्री ऑयल है तो वी ऑल नो कि टी ट्री ऑयल पिम्पल्स एंड दाग धब्बों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सेकेंड रीज़न मेरा ये था टी ट्री ऑयल फॉर परचेजिंग दिस प्रोडक्ट। और इट इम्प्रूव्स स्किन टेक्स्चर विच आई फील कि इट डज़, क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, लगभग मैंने 8 से 10 बार इसे यूज़ कर लिया है। तो आई कैन फील लाइक अभी भी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है, लाइक फेस वॉश किया है और इस सीरम को लगाया है, दैट्स इट। एंड यू कैन सी कोई भी ऑयल नहीं है, कोई भी चिपचिपाहट नहीं है मेरे फेस पे, कोई भी स्टिकी टेक्स्चर नहीं है और मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील कर रहा है। सो अब इसके इनर पैकेजिंग पर चलते हैं। सो इनर पैकेजिंग कुछ ऐसा लगता है और फर्स्ट रीज़न यही था मेरा इस प्रोडक्ट को आई करने का और कार्ट में डालने का। बाद में मैंने देखा कि इसमें टी ट्री ऑयल भी है जो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बाद में मैं एकदम श्योर हो गई कि नहीं, आई हैव टू बाई दिस। इसके साथ आपको एक ड्रॉपर भी मिलेगा जो कि बहुत हेल्पफुल होता है इसे अप्लाई करने के लिए। तो इसे रख देते हैं साइड पे और इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी होती है, आपको खोलना होता है, इसके अंदर एक नोजल होता है, आपको वो इसके अंदर पुट करना होता है लाइक दिस, यू हैव टू पुट दिस जैसे नॉर्मल सीरम्स में होते हैं एंड दिस इज़ रेडी टू यूज़। और इसे यूज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं जैसे कोई भी सीरम का यूज़ करते हैं, जस्ट आपको 2 to 3 ड्रॉप्स अपने फेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम ले सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं, अपने फेस पे लगाना है एंड जस्ट आपको ब्लेंड कर देना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसे लगाने का मेथड, दैट्स सो ईजी टू अप्लाई, लाइक नॉर्मली सीरम्स ऐसे ही अप्लाई किए जाते हैं। तो आप इसे अप्लाई करो और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो अपने स्किन पे एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस। अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी का है और जो गुड वाइब्स का रोज़हिप सीरम है ये उससे भी ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और आपके स्किन में बहुत ही ज़्यादा ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपको लाइक फील भी नहीं होगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगा रखा है। राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग कि मेरे फेस पे कुछ लगा है बट एट द सेम टाइम आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सपल फील करेगा। तो मेरा इस सीरम के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपके पिंपल्स के लिए, आपके पिंपल्स के स्पॉट्स के लिए, उसे क्लियर करने के लिए, आपके फेस को स्मूथ बनाने के लिए। और सही कहूँ तो मेरे स्किन पे गुड वाइब्स के रोज हिप से ज़्यादा इसने वर्क किया है। ये बहुत ही ज़्यादा थिन है कंसिस्टेंसी में, बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन पे, आपके स्किन को सपल एंड सॉफ्ट बनाता है नो डाउट। एंड मैंने रोज हिप वाला भी ट्राई कर रखा है सो आई विल चूज़ दिस ओवर दैट, मीन्स आई विल चूज़ दिस पर्पल वाला
स्किन रेडियंस सीरम ओवर दैट गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम. मेरी स्किन पे इसने लाइक द फर्स्ट डे इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है. आई कैन फील द डिफरेंस. और इसकी स्मेल ज़्यादा अच्छी है, ये इसकी कंसिस्टेंसी मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगी. और इसका जो फिनिश है लाइक अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है. उसके बाद इस जब आप छुओगे अपने स्किन को आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगा रखा है. यू विल फील योर नेचुरल स्किन. सो मुझे तो ये स्किन रेडियंस सीरम ज़्यादा पसंद आया. अगर आपको भी ट्राई करना है तो यू शुड ट्राई दिस. ये बहुत अच्छा सीरम है, यू विल नॉट रिग्रेट. सो ये था मेरा आज का वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.